आइए दोस्तों, अब नंपाई में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन यूज करके देख लेते हैं। इसके लिए हमें दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। पहली हमारी नंपाई है दोस्तों, और दूसरी हमारी है मैटप्लोटलिब, यानी कि हमारी मैटप्लोटलिब के हम कुछ फंक्शन इसमें यूज करेंगे, इसलिए इसको इंपोर्ट करा हमने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और मैटप्लोटलिब को इंपोर्ट करने का तरीका सेम ही है दोस्तों, बस उसका नेम थोड़ा बड़ा है, जिसमें हम लिखेंगे मैटप्लोटलिब डॉट PYPplot as PLT, जिसका एलियास हमने PLT दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर हमें साइन 180 की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे np.sin180, जो कि राउंड ब्रैकेट के अंदर यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर है। इसको अब रन करेंगे तो देखिए, ये इसने इसकी वैल्यू दे दी -0.8011526। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको साइन 90 की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे np.sin(90) और इसको रन करेंगे तो देखिए, इसने 0.89399 sin 90 की वैल्यू दे दी है। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों हमें cos 180 की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे np.cos(180). ठीक है, और इसको रन करेंगे, देखिए हमारी 180 की वैल्यू आ गई है। जो भी वैल्यू चाहिए उसे हमें ब्रैकेट के अंदर देना है, राउंड ब्रैकेट के, और उसको रन करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों। 10 की वैल्यू लिया थे तो देखिए, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है कोड, np.10 180 की वैल्यू देख लेते हैं दोस्तों क्या आती है। तो इसको हम रन करेंगे तो देखिए, 1.3386 हमारी 10 180 की वैल्यू आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें साइन कॉस और टेन का ग्राफ विजुअलाइज करना है तो उसके लिए हमें दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक्स की और वाई की। चलिए वो क्रिएट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम दोस्तों एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमने अपना कोड लिख दिया है। इसमें हम साइन की वैल्यू बनाएंगे, मतलब x_sin के लिए एक अरे बनाएंगे दोस्तों। इसमें तो हम लिखेंगे numpy.array अरेंज और राउंड ब्रैकेट में 0.3 इंटू, और यहाँ पे देखिए np.pi, यानी कि हमें पाई की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे np.pi और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 0.1, यानी कि एक स्टेप वैल्यू दी हमने। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, जिसको हमने x_sin दिया है। ये हमारा एक साइन का अरे है दोस्तों। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा देते हैं दोस्तों, प्रिंट कराते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए हमें एक अरे मिल गया है साइन का, जो एक्स की वैल्यू हमारी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए सिंटैक्स ऐसे है, np.sin, मैंने साइन फंक्शन का यूज करा है, और पैरेंथेसिस के अंदर देखिए मैंने x_sin यानी कि ऊपर वाला वेरिएबल मैंने इसमें पास कर दिया है, और इसको मैंने एक नाम दे दिया है वेरिएबल, यानी कि y_sin, और इसको मैं प्रिंट करा रहा हूं दोस्तों। तो देखिए ये हमें क्या वैल्यू देगा, तो देखिए इसने हमें ये सारी वैल्यू दे दी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यू शो कराकर एक ग्राफ को क्रिएट कर लेते हैं। देखिए उसके लिए हमें मैटप्लोटलिब का एक प्लॉट वाला फंक्शन होता है, वो यूज करेंगे। उसके लिए हमारा जो सिंटैक्स रहेगा plt.plot parenthesis, उसके अंदर x की वैल्यू दी हमने, फिर हमने y की वैल्यू दी, और उसके बाद दोस्तों इसको हमने शो कराया, यानी कि plt.show और parenthesis बंद कर दिया। अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए ये हमें ग्राफ देगा। देखिए दोस्तों हमारा ग्राफ आ गया है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूं ताकि आप पूरा देख सकें। देखिए दोस्तों हमारी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ने हमें एक ग्राफ बना के दे दिया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हम एक और ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने साइन साइन की वैल्यू ली थी, जिसमें एक्स साइन था और वाई साइन था। अब हम वाई कॉस की वैल्यू लेंगे और साइन में हमारे एक्स साइन रहेगा। चलिए दिखाता हूं मैं सिंटैक्स, मैंने लिख रखा है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले कोस वाई कोस यानी कि np.cos और उसके अंदर हमने पास कराया x_sin, तो इससे हमारी
कॉस की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वाई कॉस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने मैटप्लोटलिब का इस्तेमाल करा है, पीएलटी डॉट प्लॉट ग्राफ के लिए हमने यूज करा है, और पैराथीसिस के अंदर हमने ये दोनों वैल्यू पास करी है, एक्स की और वाई की। एक्स में जहां हमारे पास साइन है और वाई में हमारे पास कॉस है। और अब इसको शो करा लेते हैं। यहाँ पे हमने पीएलटी डॉट शो फंक्शन यूज करा है और अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है हमारा ग्राफ। तो देखिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए दोस्तों ये हमारा ग्राफ आ गया, कर्व टाइप का ग्राफ हमारा आ चुका है, जिसमें हमने एक्स में साइन वैल्यू ली थी और वाई में कॉस वैल्यू ली है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हमें टेन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब टेन का कर्व यानी कि ग्राफ हमें दिखा शो करना है। तो उसके लिए हम यही क्वेरी को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि x में हमारा साइन रहेगा और y में हम tan ले लेंगे। तो जहां जहां हमने cos लिया था दोस्तों वहां पे इसको हम tan कर देंगे, ताकि हम tan का ग्राफ आपको दिखा सकें। तो देखिए यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिख रखा है, यूज करा था cos, इसकी जगह अब tan फंक्शन का यूज कर लेंगे दोस्तों। और देखिए यहाँ पे इसके नेम में भी हम चेंज कर लेंगे दोस्तों, टेन ही लिख देंगे। अब इसको शो कराएंगे, एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ वाई अंडर स्कोर टेन से ये एक वेरिएबल है, और इसके अंदर मतलब इससे पहले हमने एनपी डॉट टेन यानी कि टेन फंक्शन का यूज करके हमने एक वाई टेन की वैल्यू बनाई है। ठीक है दोस्तों, अब इसको शो कराते हैं। जैसे ही हम शो करेंगे और इसको रन करेंगे तो ये हमें एक ग्राफ देगा। तो देखिए हमने टेन का भी कर्व बना लिया है दोस्तों, ग्राफ बना लिया है हमने दोस्तों। ठीक है दोस्तों,